कैसा रोका? कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत, कई घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सड़क हादसे में हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया दुख। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डीएम और पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता के दिए निर्देश। हादसा घाटमपुर में हुआ है। पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि घायलों को वगैरह यहाँ हेलेट अस्पताल और काशीराम अस्पताल में लाया जाएगा, तो यहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाए। उसी उद्देश्य से कानपुर कमिश्नरेट के सभी अधिकारी यहाँ पर व्यवस्था के लिए, पुलिस व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अस्पताल में पर्याप्त फोर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई थी। हेलेट के प्रिंसिपल महोदय से हम लोग सतत संपर्क में थे, वहाँ पर भ्रमण करके भी देखा गया। देखिए, हमारे पास में ये एक बहुत दुखद हादसा हुआ है। इसमें करीब 6 लोग आए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की जानकारी हमको मिली, जिसके बाद से हमारे समस्त डॉक्टर टीम यहाँ पे मौजूद हो गई। तो 4 उसमें से 6 में से 4 जो है हमारे पास बिल्कुल स्टेबल हैं, स्वस्थ हैं। सबकी जाँचें हो चुकी हैं, सीटी स्कैन हो चुका है। सीटी स्कैन जो आया है वो सबका नॉर्मल आया है और चारों पेशेंट स्टेबल हैं। लेकिन 2 ब्रॉड डेड हैं, 2 जो बच्चे थे, एक बच्चा है, एक बड़ी लड़की 18 साल की। हाँ, वो जो अंदर है ना लेडीज, उसी के लड़का का मुन्ना ना, उसी का आदमी चला रहा है। तो आपका कौन था ट्रैक्टर चला? हमारा बिटिया जो खत्म हो गया है। अच्छा, वो वही। हाँ, आराम करते हम तो रहे नहीं है, घर काती 50 मनाई मैं लड़का बिटिया ने तेरा नान पाता लगा के। लड़की की कितनी उम्र थी आपके? हमारे 12 साल के है। कौन से गांव के? कोरथा। मौजूद है हमारे साथ महापौर मैम, आपने जांच किया यहाँ पे क्या? बड़ा बेटा, ये बहुत दुखद समाचार है। अब इतने हमारे शहर के लोग देहात के मंदिर से आ रहे, उनकी मर गए हैं, इसके लिए मैं बहुत आहत है मेरा मन। अभी मैं देखने गई थी, यहाँ व्यवस्था ठीक है, सब ठीक है। लगातार दूसरी घटना और हुई, उसको लेके उसको भी अभी जाके देख कर आएंगे। अब देख, घटना तो दुर्भाग्य है। साल की दर्दनाक घटना के बाद लगभग 27 लोगों की मौत हुई और लगभग 10 से 15 लोग घायल हुए थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज CM हेलेट आने की पूर्ण संभावना है और जिसको लेकर जोर जोर से तैयारियां चालू हैं। मैं बता दूं कि लगभग सारा प्रशासन इस वक्त यहां मौजूद है और सारी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं और सफाई और स्टेज तैयार किया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री अपनी चीज़ों आके यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इसका बता दूँ कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस पर संवेदना व्यक्त की है और प्रधानमंत्री ने राहत कोष से 2 लाख रुपए और मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा बता दूं कि देर रात घटना के बाद कुछ ही समय बाद 3 से 4 घंटे के बाद चकरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना होती है, जिसमें लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, लगभग 10 लोग घायल हैं और जो घायल हैं घायलों को हेलेट अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो मृतक हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री की व्यवस्थाओं तैयारियां यहां चालू हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, कानपुर में बड़ा हादसा हुआ है, कब ये हादसा हुआ और कितने लोग घायल हुए हैं, पूरी जानकारी दें। जी, मैं आपको बता दूं कि ईशान थाना क्षेत्र का मामला है और घाटमपुर थाना घाटमपुर क्षेत्र पड़ता है। इसके अलावा बता दूं कि लगभग कल 6 से 7 बजे की घटना है। ये लोग एक बच्चे का मुंडन कराने के लिए 9 में एक मंदिर में गए हुए थे और वहां से वापसी आए थे, उसी वक्त की बड़ी घटना कौन इसका हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर चालक है वो नशे में था और वो नशे में गाड़ी इस कदर उसकी डिसबैलेंस हुई कि वो एक तालाब में गिर गई। इस तालाब में लगभग 50 लोग सवार थे, 50 में 26 लोग की मृत्यु वहीं पे हो गई थी और 6 लोगों को जो घायल थे उनको कानपुर हेलेट अस्पताल लाया गया था, लेकिन 2 लोगों की मृत्यु
जो उसमें से बचे हुए थे, दो लोग की मृत्यु कानपुर में हो जाती है। इसके टोटल अगर गिनती किया तो 26 लोगों की मौत हुई है, लगभग 12 लोग घायल हैं, जिसमें से 13 महिलाएं हैं और 13 बच्चे हैं। और इसके अलावा मैं भी यही बता दूं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने काफ़ी शोक इस पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की और मदद की घोषणा की है, और साथ ही घायलों को 50,000 रुपये, और इसके इसी तहत तो मुख्यमंत्री ने भी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 50,000 घायलों को देने की बात कही है। जी अनिल, ये एक बहुत बड़ी घटना है, तो की घटना किस वजह से हुई, क्या इसकी कोई जानकारी निकल कर सामने आई है? जी, घटना की जो जानकारी बताई जा रही है, घटना ट्रैक्टर का डिसबैलेंस होने से, गड्ढे काफी बड़े बड़े थे और ट्रैक्टर का डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे पास ही तालाब में गाड़ी ट्रैक्टर गिर जाती है। ट्रैक्टर गिरने से लगभग जिनकी मृत्यु हुई है, कुछ लोगों की पानी में दबने से मौत हुई है और कुछ लोगों के घायल होने से मौत हुई है। अनिल, चालकों के शराब पीने की बात कही जा रही थी, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, जो चालक था उसकी भी मृत्यु हो चुकी है और उसकी जांच की जा रही है कि आखिर मेन कारण क्या रहा, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कहीं ना कहीं जो मृत्यु हुई है, ये सब जांच का विषय है और इसकी जांच की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग खुद ही कर रहे हैं, कल रात से लगातार इन चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कानपुर नगर और कानपुर देहात के जितने भी मंत्री हैं सब मौके पे मौजूद हैं और बराबर ये मुख्यमंत्री को अपनी इस पूरे प्रकरण की जानकारी दे रहे हैं। जी, हादसे में 26 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जी, मैं बता दूं कि हादसे में लगभग 26 लोग की मौत हुई है, जिसमें 13 बच्चे हैं और 13 महिलाएं हैं, और बच्चे जो हैं बहुत कम उम्र के हैं। अभी हमने जो जैसा कि प्राइम टीवी ने अपनी टीम अभी उसमें दिखाया कि लगभग एक बच्चे की मौत जो कानपुर में हैलेट में हुई है, उसकी उम्र 12 साल की थी, जिसकी माँ अपने दुख को व्यक्त कर रही है। इसके अलावा बता दूं कि लगभग 4 घंटे बाद कानपुर में बड़ी घटना को फिर घटना हो जाती है, जिसमें एक बच्चे का मुंडन कराने के लिए मिर्जापुर जा रहे होते, जिसमें पूरा एक परिवार था, लोडर पे पूरा परिवार था, और उसके पहिया खराब हो जाता है, पहिया वो लोग सही कर रहे होते, लेकिन एक पीछे से डंपर आके उस टक्कर मार देता है, जिसमें लगभग 5 लोग की तुरंत ही मौत हो गई है और 10 लोग घायल थे। तो कुल मिला के अगर कानपुर में कल रात से और सात सुबह तक की बात की जाए तो लगभग 31 मौतें हो चुकी हैं। अनिल, कहा जा रहा था, जानकारी मिली थी कि योगी आदित्यनाथ घायलों का हालचाल जानने पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, सूत्रों से खबर आई है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इन सब प्रकरणों को लेकर कानपुर दौरा हो सकता है, जिसको लेकर यहां पर प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं बिल्कुल चालू कर दी हैं, डॉग स्क्वाड और बम निरोधी दस्ता वगैरह जगह जगह पर जाँच कर रहे हैं और साफ सफाई का इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ होता है कि नहीं होता है, और क्योंकि जिस हिसाब से व्यवस्थाएं चल रही है तो कहीं ना कहीं सूत्र कहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आ सकते हैं। जी, इस पूरे हादसे पर अनिल, अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? हालांकि जब अधिकारियों से बच्चे में बात की गई, अधिकारियों ने कहीं ना कहीं इस चीज से बोला कि ये सब जाँच का विषय है और इस पर जाँच की जा रही है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने इन सब चीजों को देखते हुए ट्रैक्टर पे सवारी की रोक लगा दी है और उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी ट्रैक्टर पे पूरे प्रदेश में कोई भी सवारी इस पर नहीं होगी। अगर कमर्शियल गाड़ी है तो सिर्फ उस पर कमर्शियल वाले काम होंगे, ना कि इस पर सवारियां ढोई जाएंगी, क्योंकि अक्सर गांव देहात में देखा जाता है कि लोडर हो गया और ट्रैक्टर हो गया, इस पर सवारी 50-60 की संख्या में भर के कहीं ना कहीं ले जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये अभी लखनऊ में ही बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद कानपुर में एक बड़ी घटना हो गई है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है कि आखिर प्रशासन और जो जिले का प्रशासन है इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पर आज तक लगाम क्यों नहीं लगाई। हालांकि लखनऊ में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर कानपुर में फिर से घटना होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सोचने वाली बात होगी। अनिल, सीएम द्वारा घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है इलाज के लिए? जी, हमने जब कानपुर जीएसबीएम प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और जो भी घायल और जो भी आ रहा है उनको सुचारू रूप से व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पूरी इंतजाम हैं उनके इलाज के लिए। जी, धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, कानपुर से
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है, वहीं सीएम योगी ने भी घायलों को 2 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया है। कानपुर में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि योगी ने अब आदेश भी दे दिया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी नहीं बैठाई जाए। कानपुर में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सीएम योगी ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही घायलों को। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी भी घायलों से मिलने अस्पताल जा सकते हैं। गाजियाबाद में किसान क्रांति गेट के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हवन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ऐलान किया, साल 2018 में किसान क्रांति यात्रा के दौरान शांतिपूर्वक पदयात्रा के सामने बैरिकेटिंग लगा कर रोका था, जिस घटना के चलते हर साल यहाँ किसान आते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, गाजियाबाद में आज बॉर्डर पर किसान हवन करेंगे, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? पर 2018 में यहाँ पर आंदोलन किया था, आंदोलन के बाद आंदोलन एमएसपी को लेकर था, खासतौर पे जो किसान नाराज थे। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर सभी किसान मौजूद हैं, और देखिए हवन पूरा हो चुका है। यहाँ पर हवन देख सकते हैं किस तरह से, हवन 2 अक्टूबर को यहाँ हर साल पर एक हवन किया जाता है, सरकार को जगाने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए, सभी मांगों को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं हवन किया जाता है। देख सकते हैं हवन पूर्ण रूप से यहाँ पर संपन्न हो चुका है, और यहाँ पर सभी किसान देखिए दूर दूर से जितने भी किसान आए हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर हवन में शामिल हुए हैं। और हालांकि यहाँ पर राकेश टिकैत का भी पहुंचना था, लेकिन हालांकि सुरक्षा कारणों के चक्कर में उनको यहाँ पर नहीं आने दिया गया। और देख सकते हैं यहाँ पर कई किसान यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिर 2 अक्टूबर को यहाँ पर ये लोग हर साल आते हैं और यहाँ पर जो यहाँ पर हवन होता है उसको लेकर जीतेंगे। सर 2018 को यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आए थे, सरकार को एनएसपी के खिलाफ जो यहाँ पर आप लोग जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। हर साल 2 अक्टूबर को यहाँ आते क्या कुछ तैयारियां होती है? इसलिए आते हैं कि हमारी जागृति बनी रहे और सरकार को हम चेताते रहे, सरकार हम ये 2 तारीख को हवन करते हैं कि जो 13 महीने में जो 13 महीने अंदाज लिया उसमें जो किसी 3 किसी कारण वापस किए, एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई, एमएसपी कारण की बात हुई, और बिजली भी देख बिल वापिस दे, जो दूर का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वापिस दे, और बहुत सारी समस्याएं जो किसान के साथ में है उन सबके बारे में यहाँ ओमपाल मलिक हम यहाँ 2 तारीख को भाई वर्ष, क्योंकि हम 23 सितंबर 2018 में हरिद्वार से किसान क्रांति यात्रा लेकर चले थे किसान की समस्या को, और 2 अक्टूबर में जब हम यहाँ से राजघाट जाना था तो हम यहाँ रुके थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया और हाथ रुके से गोले छोटे गए, गोलियां चलाई गई, मेरी भी आंख खोल गई। और जब से हमने निश्चय किया कि हम ये किसान क्रांति गेट है और इस पर आए साल हवन करेंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार जो किसान विरोधी नीतियां अपना रही है
वो उसके खिलाफ कोई आंदोलन इस तरीके से 13 महीने जरा हमारे एसडीएम का जो भी आदेश होगा वो उसी किस्म का आंदोलन। मलिक जी सुनने में आ रहा था कि अभी राकेश टिकेट भी पहुंचेंगे, नरेश टिकेट भी ना पहुंचेंगे, तो क्या कारण रहे वो लोग क्यों नहीं आ पाए? हमारे राकेश टिकेट भी कब्जों में है, हमारी 6 तारीख की जो भी महत्व टिकेट की वो जन्म तिथि है उसको ससुरी में मनाया जा रहा, वो भी एक कार्यक्रम है उसकी तैयारी में है। और राकेश टिकेट यहाँ वो भी नहीं है, लखनऊ में है और सारे बड़े टिकेट साफ भी कहीं गए हुए हैं, दिल्ली में यहाँ नहीं, यहाँ हमारे जितने लोग आए हैं सब जिम्मेदार है, सब अपने को टिकट मानते हैं और कोई भी सरकार अगर कोई भी कदम उठावे इनके खिलाफ तो ये सब अपने आप हथियार डालते हैं। जैसा कि 1987 में जब डेली कर्मों का आंदोलन हुआ, हमारे टिकट साहब ने किसान यूनियन का गठन किया, तब डेली कर्मों जाते हुए हमारे दो किसान शहीद हुए थे, कई लोग घायल हुए थे, पर जन्म नहीं चाहता या तो भाग के रहे और पीए सिलाई कमांडर भी उसमें हमारे कहा था और लोग हटे हुए। तो आज भी किसानों में पूरा दिन उन्होंने 13 महीने आंदोलन करके सरकार को बता दिया है कि हम 13 साल भी आंदोलन करके। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि आप लोग हर साल आकर हवन करते हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी क्योंकि एमएसपी को लेकर जो आप लोग सरकार के विरोध में है, समय पर सरकार आपकी बातें नहीं माने, क्या तो सब रहेगी आगे? इसे लेकर देखिए दो दिन प्रोग्राम आ रहे हैं, 3 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर सरकार का पुतला जला जाएगा, क्योंकि जो समस्याएं एमएसपी के कानून और जो हमारी समस्याएं नहीं मानी उनके बारे में, और जो लखीमपुर में सैनी ने जो गृह राज्य मंत्री है उसने जो जघन्य अपराध किया है कि लोगों को गाड़ी चलाई है, उन्हें वहां से हटा जाओ और जेल में जाओ। 3 तारीख को इसी संबंध में हमारा हर जिला मुख्यालय पर पुतला जलाया जाएगा और 26 नवम्बर को हम 26 नवम्बर को यहाँ गाजीपुर पर आए थे और 26 नवम्बर को ही पूरे देश की राजधानियों में जो प्रदेशों की राजधानी है उनमें बड़े प्रोग्राम होंगे, 1 दिन का प्रदर्शन होगा, ये सीएम का आदेश है। देखिए ये हमारे साथ लगातार किसान जुड़े थे और उन्होंने खासतौर पर बताया है कि नवंबर में जिस तरह से हमने आंदोलन छोड़ा था उसी प्रकार से अब भी जो होगा ये लोग कलेक्ट्रेट पर जाएंगे, हर एक मुख्यालय पर जाएंगे जहां पर ये आंदोलन को तैयार करेंगे और आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे, खासतौर पर पुतले जलाए जाएंगे सरकार के। तो कहीं ना कहीं अब जो किसान खासतौर पर हवन इसलिए करते हैं यहाँ पर क्योंकि जो लोग आंदोलन के समय पर यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके लिए आगे रणनीति किसानों को भला फायदा मिल चुका है, इसलिए यहाँ पर हवन किया जाता है। प्रवीण, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं एकजुट होकर, तो अभी फिर से आंदोलन करने की क्या वजह है? लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि लोग क्योंकि सरकार इनकी बातें नहीं मानी, इनका ये कहना है कि सरकार जो एमएसपी को लेकर है न्यूनतम जो एक दर मूल्य होना चाहिए वो नहीं तय कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो किसान है लगातार जो आक्रोश नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको पहली बार तो जो किसान हुआ करते थे पहले जो इनकी एक यूनियन थी वो टूट चुकी थी, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके फिर से किसान एकत्र हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। हालांकि किसान जो अभी थे उनसे बातचीत चल रही थी मलिक जी ने, उन्होंने खासतौर पर बताया कि राकेश के जिस समय लखनऊ में है हो सकता है कोई बड़ी रणनीति बना रहे हो आगे सरकार को घेरने के लिए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से आगे का इनका प्रोग्राम रहेगा, किस तरह से रणनीति रहेगी इनकी, ये सब बाकी होगी। प्रवीण, किसान एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं तो ये आगे की रणनीति अब क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए रणनीति साफ तौर पर तय है कि अगर जो कुछ इनके जो मांगे हैं अभी तक जो अधूरी रह गई है खासतौर से उनको पूर्ण कर लिया जाए, उसके बाद ही आगे की रणनीति इनको तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि अभी आपने बताया भी था किस तरह से किसान मलिक जी ने तो बात कही है कि हम लोग निरंतर जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, डीएम ऑफिस जाएंगे, वहां पर लगातार वहां पर सरकार के पुतले भी जलाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसान कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहे हैं और अभी जो आज का जो हवन 7 अक्टूबर के दिन कहीं ना कहीं अपने लोगों को शांति मिलने के लिए, कहीं जो लोग मृत्यु हो गई थी जिन लोगों की उनको शांति के लिए आज हवन किया गया था। प्रवीण, इस पूरे आंदोलन पर राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है? देखिए राकेश टिकैत ने कल ही आह्वान कर दिया था कि गाजीपुर जो जहाँ पर आंदोलन चला था यूपी बॉर्डर पे वहाँ पर हवन किया जाएगा और अपने जो किसान लोग मरे थे यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी शांति के लिए यहाँ पर हवन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अभी राकेश टिकैत का क्या कहना है साफ तौर पर ये अभी तय नहीं, क्योंकि लखनऊ गए हैं, कोई बड़ी मीटिंग हो सकती है उसके बाद ही साफ निकलकर आएगा। धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए।
इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।